हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। अब इसमें पीछे हम पढ़ा रहे थे आपको त्रिकोणमितीय फलन का एक लेक्चर हो चुका है, उसमें आपको बताए थे कि इसका त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे क्या होता है, इसके बाद कुछ थ्योरम बताए थे और इसके बाद डोमेन और हमने रेंज पढ़ा था और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हम कैसे किसी भी वैल्यू दी गई हो इनवर्स क्वेश्चन का तो उसमें हम उसका मुख्य मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी को हमने किया था। आज उसी के हम कुछ और क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन दिया गया मेरे पास है, इसमें भी हमारे क्या मुख्य मान ही ज्ञात करने हैं, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ही कहा गया है कि क्वेश्चन के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कुछ इसमें हमने बताया था, आज कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने बताया ही था आपको, या इसी को बता देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया 9 नंबर, कॉस इनवर्स -1/√2 है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया था कॉस है तो कॉस की वैल्यू देखी, लेकिन पहले ये माइनस है तो माइनस के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, चूँकि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस को बाहर लेने के लिए तो हमें पाई माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 हो गया। अब यहाँ पे देखें रूट टू कॉस है तो कॉस कितने डिग्री वैल्यू होता है, तो हम ऐसे जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, 4 × 4 में से एक हटा देंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाए, अगला क्वेश्चन है टैन इनवर्स 1 और कॉस क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है टैन इनवर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, फिर प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे -1/2 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है कि कह रहा मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान क्या होगा। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए आसान सा है, बस हमें जैसे अपने को बताया थे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, मुख्य वैल्यू कैसे निकालते थे, तो वहाँ पर सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो टैन है तो ये टैन कितने डिग्री पे होता है, तो हम टैन लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पे होता है। फिर प्लस देखो माइनस है, तो माइनस के अलावा हमने फार्मूला आपको बताया था, ये पीछे का फार्मूला यहाँ पे, तो ये माइनस कभी भी आएगा तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए फार्मूला ये भी बताए थे पीछे लेक्चर में, तो आपको लेक्चर में बताया गया था फार्मूला कि साइन इनवर्स -x मिलता है तो लिखा जाएगा माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो ये माइनस को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 पे होता था, इसलिए टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा पाई बाई 4, फिर प्लस पाई माइनस इसको हम देखो कितने डिग्री पे होता, यहाँ पे 60 डिग्री पे होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, साइन पे है तो साइन पे देखेंगे, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 पे हो जाएगा। इसमें देखो ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये लिख सकते हैं पाई बाई 4 और प्लस पाई माइनस ये कॉस कॉस कट जाएगा कैंसिल, पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर माइनस ये इसमें साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका पूरे एलसीएम ले लेंगे, अगर पूरे एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर कितना, यहाँ 4 है और 3 × 2 = 6, तो इन्हें कोई संख्या ऐसे ले लें तो 12 से डिवाइड कर दें कट जाएगा, 4 × 3 = 12, ये 3 पाई हो जाएगा, और इसको 12 × 1 = 12 12 पाई हो जाएगा, और यहाँ से 3 × 4 = 12 -4 पाई 6 × 2 = 12 2 पाई। तो प्लस प्लस को पहले ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 15 पाई हो जाएगा माइनस, और 6 × 2 = 4 × 2 = 6 पाई हो जाएगा, और 12 × 2 = 12, और इसको क्या करिए अब घटा दीजिए, 15 में से 6 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे
तो ये 9 पाई और बाई 12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 3 से 3, 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमें सॉल्व करना था इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया, ऐसे सेम ये हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे 1/2 पे देख लेंगे, 2 होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर दिया गया एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसमें मान कितना होगा। तो आपको हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स का रेंज, एक बताया गया था साइन इनवर्स एक्स का रेंज, रेंज हमने क्या बताया था कि इसका रेंज होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो देखो यही चीज़ है, ये y के इक्वल है, तो y क्या करेगा, जो y बिलोंग करेगा यहाँ पे इस पे माइनस पाई बाई 2 से, और ये जो होगा पाई बाई 2 तक ये बिलोंग करेगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये b वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन और है मुख्य मान से। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पर देखो पहला दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स फिर लिखा हुआ है कॉस 4π/3 यहाँ पे। तो एक आपको कि छेद में फार्मूला हमने बताया था कि अगर ऐसे क्या लिख दी सही हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, तो क्या इसका 4π/3 लिख दें तो ये सही होगा, क्योंकि कॉस है तो यहाँ पर देखो एक्स तो आ रहा, लेकिन ये आंसर गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको बताए थे कि कॉस इनवर्स एक्स इसका जो रेंज होता है, तो हम रेंज जब निकालते हैं यहाँ पे 0 to π के बीच में निकालते हैं, तो ये क्या है पाई से बड़ा है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते। तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर ये क्या हो जाए 0 से π, यानी 0 और π के बीच में आ जाए या पाई आ जाए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं में कोई फार्मूला आपको बताया गया उसको अप्लाई करिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स हो जाएगा, फिर कॉस इसको देखो कितना लिख सकते हैं π/π/3 ये लिखा जा सकता है ना यहाँ पर। अगर इसको इससे लिख देंगे तो यहाँ पर मेरे लिए आ जाएगा कि पाई प्लस 3 × 3 = 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 180 - θ, जब कॉस 180 - θ बराबर कितना होता है, अगर कोई भी वैल्यू आपको लिखना हो तो इसके लिए बताया गया था एक फार्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स है और इसके बीच में क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 यहाँ पर, क्योंकि एक सूत्र आपको अभी पीछे बताए थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेम वही चीज़ है। एक्स के स्थान पे ये क्या है, ये है वैल्यू π/3, तो π/3 है तो इसको कॉस कॉस कट जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, 3 × 3 में से 1 घटा देंगे तो 2π/3 ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे सेम वैल्यू जैसे हमें सॉल्व करना है, तो ये वाली वैल्यू देखो क्या मेरे लिए करेक्ट है यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए तो ये भी हमारे लिए क्या है कि ये बिलोंग नहीं करता, जब कोई भी वैल्यू अगर नहीं बिलोंग करती है तो हमेशा हम क्या करें रेंज के बीच में, तो वहाँ पर उससे रेंज के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, जब रेंज आ जाता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री ये लिखा गया है यहाँ पे। अब इसमें लिखा हुआ तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये पाई बाई 2 के रेंज से क्या है बाहर है, जब ये बाहर है तो ऐसा क्या करें कि तो इसको अंदर आ जाए। तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स, देखो इसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जब इसको यहाँ से 3 × 3 में से 1 घटाएंगे तो 2π/3 हो जाएगा। तो एक फार्मूला साइन 180 - θ का फार्मूला बोलो, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कि प्लस साइन थीटा होता है, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है,
हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और ये होगा साइन पाई बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा के स्थान पे पाई बाई थ्री है, तो ये कट के हो जाएगा पाई बाई थ्री। ये इतना हो जाएगा इसमें। और भी क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं, ऐसे हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसका हमने तरीका नहीं बताया है, इसका तरीका बाद में बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है इसमें, यहाँ पर मुख्य मान ज्ञात करने का या मान ज्ञात करने के इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान देना होता है कि कोई भी वैल्यू जो मिले वो रेंज के बीच में आनी चाहिए। जब रेंज के बीच में अगर कोई भी वैल्यू होगी तो हमेशा आंसर करेक्ट होगा, अगर रेंज के बीच में नहीं ध्यान देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अभी आपको बताया था ये फोर पाई बाई थ्री ऐसा लिख दोगे तो हमेशा गलत होगा यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पे अभी लिखा था साइन इनवर्स टू पाई बाई थ्री, अगर ये भी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पाई बाई इसका मतलब होता है 120 डिग्री होता है, जबकि हम अगर डिग्री में देख रहे हैं इसको, और अभी पाई बाई टू बताए थे तो कितना होता है 90 डिग्री, तो ये क्या ज़्यादा था। इसलिए अगर कभी भी वैल्यू रेंज से बाहर लिख देते हैं तो ये वैल्यू हमेशा गलत मानी जाएगी, तो उसको आप आंसर में हमेशा नंबर कट जाएगा आपको देने पर। इसलिए हमेशा रेंज याद कर लीजिएगा, जिससे हम क्वेश्चन को क्या कर सकें कि करेक्ट आंसर करें और हमारा पूरा नंबर प्राप्त हो। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ले दे देते हैं, इसमें आप ऐसे कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ये है इसका, इसको आप करके देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन का क्या होगा, कमेंट्स में नीचे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर। फिर अब हमें कुछ थ्योरम पीछे बताए थे आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, आज उसमें हम कुछ और थ्योरम पढ़ते हैं कि कौन कौन से थ्योरम और हैं उसको देखते हैं और उसके प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे पास थ्योरम दो बता चुके थे, आज थ्योरम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 तक। फिर दूसरा है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी सभी रियल नंबर्स के लिए। फिर अगला है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू मॉडुलस, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 1 है। तो हम पहले इसमें पहले वाले को सबसे पहले प्रूव्ड करते हैं कि इसका कितना होगा यहाँ पर। तो पहले थ्योरम में देखो लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ये इतना दिया गया। तो इसमें क्या किया जाए, किसी को चाहे साइन या कॉस किसी भी वैल्यू को आप मान लीजिए यहाँ पर थीटा। तो अगर हम मानते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाएंगे एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। हमें कॉस डालना है तो साइन का कोई ऐसा फार्मूला चेंज करिए जिसमें पाई बाई टू हो। तो एक आपको पढ़ाया गया होगा कि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल कितना होता है साइन थीटा, ये क्लास 9th में आपको बताया गया, क्लास 11th में बताया होगा। तो इसके देखो साइन ये इस तरफ है तो ये साइन है, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस। तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स पाई बाई टू और माइनस थीटा हो जाएगा, इस यहाँ पे ये नहीं रहेगा इनवर्स, ये कॉस यानी इसके बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा ये हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड में लाइए तो देखिए कितना हो जाएगा, जब कॉस को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को क्या करिए लेफ्ट साइड में लाइए, ये होगा थीटा और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू हो जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। इसको हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाएगा। ऐसे सेम इसको टैन मान लेते हैं तो चेंज करना हो तो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा। ऐसे कोसेक को थीटा मान लेंगे, जब कोसेक को चेंज करेंगे तो सेक पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो इस तीनों थ्योरम को हम क्या कर लेते हैं ऐसे प्रूव कर लेंगे। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, थ्योरम को आप प्रूव कर लेंगे। जब आप प्रूव करेंगे तो ये थ्योरम याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप याद अगर इसमें प्रूव कर ले तो अपने आप याद आ जाएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली थ्योरम देखते हैं, इसमें अगली थ्योरम क्या है। अगला थ्योरम है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ पर थ्योरम 4 है। देखो इसमें लिखा हुआ टैन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई, जहाँ कंडीशन दी गई है कि एक्स वाई लेस देन वन हो, यानी एक्स वाई का मान अगर गुणा कराया जाए वन से छोटा हो। दूसरा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, एक्स वाई जो ग्रेटर देन हो वो माइनस वन से क्या हो ग्रेटर देन होना चाहिए। तीसरा इसी में और एक चीज दिया गया, अगर इसमें कह रहा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस वाई होगा यहाँ पर, तो x ग्रेटर देन यानी एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो और x जीरो से बड़ा हो तथा तो y जीरो से, अगर ये दोनों वैल्यू कंडीशन दिया जाए आपको तो हमेशा क्या ले लोगे यहाँ पर पाई प्लस करके लिखा जाता है। जब कोई ऐसी कंडीशन आपको मिल रही हो तो कंडीशन पे हम हमेशा क्या करेंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो, x जीरो से बड़ा हो और y भी जीरो से बड़ा हो तो हमेशा इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लेकिन जब एक्स वाई लेस देन वन हो तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर पहली थ्योरम हमारी थी, लिखा हुआ था tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स y इक्वल था tan इनवर्स x प्लस y बाई वन माइनस एक्स वाई, ये हमारा था। इसी थ्योरम को प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को मान लेते हैं a और b। सपोज कर लीजिए एनी लेट यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल a होगा, टेन को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर टेन ए हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू कैसे मान लीजिए कि टेन इनवर्स वाई इक्वल बी हो जाएगा, तो वाई बराबर टेन बी हो गया। अब दोनों यहाँ पर निकला एक्स और वाई की वैल्यू में, तो हम जानते हैं आपको मालूम होगा यानी सूत्र है उसमें लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक सूत्र आपको बताया गया होगा क्लास इलेवेंथ में tan a प्लस बी का, tan a और प्लस बी बराबर होता है कि tan a और प्लस tan b होता है और बाई वन माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको मालूम है tan b बराबर y और tan a बराबर x, ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे x और इसके बराबर tan y tan b बराबर इसके बराबर कितना है, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई वन माइनस tan a इक्वल कितना x था और ये हो जाएगा इंटू y हो जाएगा। अब इस तरफ देखो हमें tan इनवर्स उधर ले जाना था तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल हो जाएगा कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, ये इतना हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, a बराबर tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स y होगा बराबर tan इनवर्स x प्लस y और बाई वन माइनस एक्स वाई, ये इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का, यानी यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y अपन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ऐसे हम इसी को दूसरे थ्योरम को प्रूव करते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला दूसरा थ्योरम अभी आपको लिखाए थे उसी में देखो, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई, ये इतना हो जाएगा। अब इसको जैसे पीछे वाले थ्योरम tan x इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रूव किए थे सेम उसी, बस यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, अगर इसमें लेट करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर a हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाएंगे tan को इनवर्स को ये हो जाएगा tan a होगा, फिर ऐसे दूसरे को tan इनवर्स y बराबर b हो जाएगा तो y बराबर tan इनवर्स वो tan होगा tan इनवर्स नहीं होगा tan b हो जाएगा यहाँ पर।
अब ये देखो बीच में माइनस है, तो एक आपको सूत्र बताया गया, वही सूत्र आप अप्लाई कर दीजिए tan tan a माइनस बी का। तो यहाँ पे सूत्र होता है कि tan a माइनस बी बराबर होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई वन माइनस, ओ सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ऊपर रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a इंटू tan b हो जाएगा। अब क्या करिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने tan a बराबर निकाला था, तो tan a प्लस b इक्वल होगा, अगर इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर x और tan b बराबर y, तो ये हो जाएगा y 1 प्लस x इंटू वाई हो जाएगा। अब tan को राइट साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल, जब इसको tan इनवर्स tan को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होगा। अब यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू थी tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y, जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और बराबर होगा tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। इसके लिए जब आपको अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपको मिले तो tan इनवर्स यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा और सही है। तो अगर कभी भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करना हो तो tan इनवर्स ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, और इसी में अगर प्लस आपको मिलता है तो प्लस का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा। अब इसी पे हम दो चार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन मिला हुआ कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1 बाई टू प्लस tan इनवर्स 1 बाई थ्री इक्वल पाई बाई फोर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अभी फार्मूला बताएगा, सेम वही फार्मूला एल एच एस आप ले लेंगे, अगर एल एच एस हम लेंगे यहाँ पे तो एल एच एस लेने पर ये कितना है, tan इनवर्स 1 बाई टू हो जाएगा फिर प्लस tan इनवर्स 1 बाई थ्री हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब एक फार्मूला भी जो प्लस है बीच में, तो प्लस वाला भी अपने फार्मूला बताया था, ये राइट में हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या था कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना था कि tan इनवर्स x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, ये मेरा फार्मूला था। तो देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पर भी tan है, तो ये किसका काम करता है, x का, और ये कौन सी दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y की होगी। तो दोनों एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, तो जैसे राइट साइड में लिखा हुआ है वैसे आप अप्लाई कर दीजिए, जब अप्लाई करेंगे तो आगे कितना लिखा हुआ है कि tan इनवर्स लिखा हुआ है, फिर इसके बाद कितना लिखा है x लिखा हुआ है, x की कितनी वैल्यू 1 बाई टू हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर y है, y की वैल्यू कितना है 1 बाई थ्री होगा, डिवाइडेड है फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर माइनस x की वैल्यू कितना है 1 बाई टू है इंटू है, जब कोई दो वैल्यू अगर यहाँ पर अलजेब्रिक में लिखा गया उसके बीच गिनती लगते हैं तो इंटू का लगा देते हैं, y की वैल्यू 1 बाई थ्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको इधर ऐसा ले लेंगे या गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स तीन इक्के तीन, दो इक्के दो हो जाएगा और बटे तीन दूनी छः हो जाएगा, और ये ऊपर का हो गया इसको नीचे का, फिर सॉल्व करेंगे देखो वन माइनस एक इक्के एक और तीन दूनी छः, इसको ऐड कर दूँ तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पे तीन दो पाँच और बटा कितना छः हो जाएगा, छः के छः में से एक घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पाँच बटे छः। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में कट गई, जब दोनों वैल्यू आपस में कट गई तो हम देखो इसको कितना लिख सकते हैं यहाँ पे,
कटने के बाद यहाँ पे हो गया टैन इनवर्स 1 हो गया। तो अब बताइए 1 कितने डिग्री वैल्यू होता है, तो 1 बताइए कितने डिग्री पे, टैन पाई बाई 4 पे होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टैन पाई बाई 4, जब टैन टैन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ गया पाई बाई 4, यही तो हमें लाना था RHS, ये मेरा आंसर हो गया RHS, क्योंकि यही हमें लाना था कि पाई बाई 4। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन टैन मिले और टैन के बीच में प्लस रहे तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, अगर माइनस रहे तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा कोई भी क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसी पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है ठीक है इसमें, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें सेम वही फॉर्मेट पे अप्लाई है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ कॉस में है, अभी इसका हमने क्वेश्चन बताया नहीं है आपको, यहाँ पर थ्योरम है तो इसको बाद में सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस में ये टेन में है तो इसको सबसे पहले हमें टेन में चेंज करना होगा, इसलिए इसी को हम डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। देखो इसमें क्वेश्चन है, इसको भी हमें सिद्ध करना है, जब सिद्ध करना है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है LHS, आप ले लीजिए LHS ले लेंगे कि tan इनवर्स 1/7 फिर प्लस tan इनवर्स 1/13, फार्मूला भी लिखे थे उसी फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी है, किसकी है, ये x की है और ये वैल्यू किसकी है, y की है, और बीच में प्लस है तो फार्मूला अप्लाई करिए कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7, क्योंकि प्लस है तो ऊपर बताए थे अगर प्लस रहता है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 1-1/7 1/13 हो जाएगा। अब इसको इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 13 और 7 और इसको गुणा कर 13 कितना होता है 91 होता है, फिर बटा हो जाएगा यहाँ पे इसका नीचे सॉल्व करेंगे 1-13 कितना 91। इसको आप क्या करिए सॉल्व करिए यहाँ पे, वन सेकेंड, देखो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 13-7 कितना होता है 10 और 1-1 2 20 बटा कितना 91, 13-7 91, 91 में से 1 से गुणा कराएंगे तो 91 और 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 90 और बटे कितना 91, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/9। तो देखो इसमें हमें कितना लाना था, वन सेकेंड, 2/9 ये हमें प्रूव्ड करना था कि tan इनवर्स 2/9, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 2/9 RHS आ गया, ये चीज़ हमें क्वेश्चन यहाँ पे लाना था तो ये 2/9 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, तो देखो tan इनवर्स लिखा हुआ है a-b और इसमें, तो एक देखो सबसे आसान क्वेश्चन, एक सूत्र आपको अभी हमने बताया था कि यहाँ पर पहले हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको आसानी समझ जाए, तो ये होता है tan x फिर प्लस, प्लस वाला यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अप्लाई करते हैं, ये माइनस है बीच में ना, तो tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y और y 1 प्लस एक्स वाई, ये मेरे लिए फार्मूला हो गया। जब हमारे पास ये फार्मूला प्राप्त हो गया, अब देखो इसका अगर हम लिख ले यहाँ पे LHS, जब LHS लिखेंगे ये कितना है tan इनवर्स a-b/1+ab फिर प्लस tan इनवर्स यहाँ पे b-c/1+bc फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स c-a/1+ca, ये इतना हो गया। अब देखो फार्मूला अप्लाई करो, ये राइट साइड है तो इसमें क्या लिखा है, सबका राइट साइड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा ना अप्लाई करके ये राइट साइड लिखा हुआ है, ये सबका कितना देखो x के स्थान पे कितना a है, y के स्थान पे b है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड इसका अप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ राइट साइड लिखा, तो हमें क्या लिखना है इसका लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस
टेन इनवर्स बी, फिर प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स बी माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स सी हो जाएगा, फिर प्लस टेन इनवर्स सी और माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स ए। तो देखो टेन इनवर्स ए ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे हो गया, ये इससे और ये इससे हो जाएगा बराबर कितना जीरो। आज समझ में, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड का दिया गया तो ए के स्थान पे ये है, एक्स के स्थान पे ये वाई, सेम ऐसे है उसे लिखते हुए चले गए तो ये बराबर जीरो आ गया। जब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप वीडियो देखेंगे इसमें आप सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी बहुत सारे हमारे पास थ्योरम है उसको भी हम प्रूव कराएंगे यहाँ पर। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।